हमारे जो गांव में रात को ये घटना हुई है इस बच्चे के साथ, ये बहुत अप्रिय घटना है। इसमें क्या लेडीज और जेंट्स सारे गांव वालों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। ऐसा ये घटना कभी देखी नहीं जा सकती आंखों से, और ये हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी घटना कभी ज़िंदगी में होनी नहीं चाहिए। और ये हो रही है जो बहुत बेकार घटना है, इससे हमारे कल दिनांक 20/5/19 को सुबह 3 बजे टोड़ा भीम थाना के गांव डोरा की एक 17 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की घटना हुई, जिसकी रिपोर्ट थाना टोड़ा भीम में दर्ज हुई। उसका बलात्कार बाबत परीक्षण मेडिकल बोर्ड के द्वारा साय हिंडौन सिटी में किया गया। 3 बजे की बात है, मैं लेटरिंग करने गई थी, तब दो लड़के आए और मेरे रिवॉल्वर लगाई और मुझसे बोले कि अगर तूने तेरे घर वालों को बताया तो हम तुझे जान से मार देंगे और तेरे घर वालों को भी, और मेरे मुंह को ढका और फिर मुझे गाड़ी पर ले गए, मेरे साथ दुष्कर्म किया और मेरे फोटो भी खींचे। हाँ, कौन है? मनीष वाले चौल जो एक को एक और दूसरा निदान मामला दर्ज हो गया आपका? हाँ। कहाँ करा है मामला दर्ज? थोड़ा थाने में। जी मैं भरतलाल, जाटा समाज से भी हिंडौन सिटी। अभी जो है डोरावली में घटना हुई है, उस घटना को देखते हुए राज्य सरकार सोई हुई है और कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि अभी थानागाजी में घटना हुई थी उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और थानागाजी में जैसी व्यवस्था वो जैसी घटना हुई थी वही घटना यहाँ डोरावली में हुई है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, और ना ही पुलिस प्रशासन ये देख रहा है कि इनको अकेला भेज दिया गया वहाँ से टोड़ाभीम थाने से, और एक महिला कांस्टेबल और एक कांस्टेबल के जरिए इनको भेज दिया गया। अगर रास्ते में कुछ अगर अप्रिय घटना हो जाती है उसकी जिम्मेदारी कौन की होती? प्रशासन में बिल्कुल लापरवाह है। और हम यहाँ की लेडी सिंगम, जो लेडी सिंगम के नाम से जानी जाती है, जो SP प्रीति चंद्रा जी हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या इंतजाम कर रखे हैं। वैसे तो वो बड़े बड़े दावे करती है कि महिला सुरक्षा के लिए हम ये करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए हम वो करेंगे, लेकिन उनके आने से यहाँ महिला सुरक्षाएँ नहीं है। इसलिए मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो मतलब इस केस में अधिक से अधिक जल्दी कार्रवाई करवाएँ और जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाई जाए।